हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लेकर आई हूँ नो बेक डिज़र्ट। ये डिज़र्ट बनाना बहुत आसान है, इसे हम कहते हैं चीज़ केक, एगलेस चीज़ केक। ये मैंने मिनी चीज़ केक नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये छोटे साइज़ का बना है और साथ ही मैंने इसको मफ़िन मोल्ड में, मफ़िन ट्रे में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए आप कोई भी बिस्किट ले लीजिए। मैंने यहाँ मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है और 1.5 पैक को मैं क्रश कर दूंगी और इस तरह से उसको रखूंगी ग्राइंड करके। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे बटर, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्टेड बटर। मैंने यहाँ पे अमूल बटर लिया है। दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए इस तरह का एक क्रम्बल टेक्सचर हमारे पास होना चाहिए इसका। ये इसमें बटर अच्छे से डला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम मफ़िन मोल्ड्स लेंगे और इसे हम मफ़िन ट्रे में डालेंगे और यहाँ पे हम 2 चम्मच इस मिक्सचर के डालेंगे। पहले आप एक एक चम्मच डाल लीजिए और उसके बाद एक एक और चम्मच डालिए और देखिए इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। सभी को इस तरह से फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको प्रेस करेंगे स्पून की बैक साइड से, इस तरह से लेवल अप करेंगे इसको हम अच्छे से। हमने यहाँ पे इसी स्पून को 2 स्पून्स ऑफ सर्विंग डाली है इसकी, देखिए इस तरह से। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट करने के लिए। नेक्स्ट हम 1/2 कप लेंगे व्हिपिंग क्रीम। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो ली है वो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, तो ये ऑलरेडी स्वीटन होती है, मीठी होती है। और साथ ही मैं 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लूँगी, इससे ये जो है थोड़ा हमारा थिक भी हो जाएगा और सेट होने में ईजी रहेगा। साथ ही हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। ये हमने तब डालना है जब हमारी व्हिपिंग क्रीम डबल इन वॉल्यूम हो जाए। अगर आप व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं जो अनस्वीटन्ड है तो आप इसमें उस हिसाब से कंडेंस्ड मिल्क डालिए, देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम 1/2 कप क्रीम चीज़ डालेंगे। ये जो क्रीम चीज़ है ये हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो होगी उसे डालेंगे, बिल्कुल चिल नहीं डालेंगे। देखिए अब इसको हम बीट करेंगे, ये अच्छे से सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। 1/2 कप चीज़ क्रीम डाली है मैंने। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट और कुछ नहीं है, आप नींबू को बाहर से जब आप उसको ग्रेट करते हैं इस तरह से, तो हम 1 नींबू का जो है छिलका वो सारा हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर जूस ऑफ 1 लेमन। 1 नींबू का जूस भी डाल देंगे और 1 नींबू को ग्रेट करके बाहर से उसका छिलका भी डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। आप इस स्टेज पे टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी सब चीज़ें बैलेंस हो गई है। अगर किसी चीज़ की आपको कमी लगती है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है क्रीम। अब हम अपनी ट्रे निकालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, इसे ऊपर तक हम फिल करेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम इन सबको फिल कर देंगे और बाकी भी मैंने मोल्ड्स बनाए हैं इसी तरह से। और अब हम इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। देखिए अब ये देखिए मुझे करीब 4 आवर्स लगे हैं। 4 आवर्स के बाद हम इसको ऐसे डीमोल्ड करेंगे, देखिए इजीली आपका ये बाहर निकल आता है और ये रेडी टू सर्व है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई जैम भी डाल के रख सकते हैं, ब्लूबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, एनी थिंग। और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।